हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ज्ञानधारा हर्षोली चैनल। आज डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला में हम अध्ययन करेंगे 24 मई 2019 की करंट अफेयर्स के विषय में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एसएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे आदि एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम डेली लेकर आते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संकलन। पहला क्वेश्चन है आज का, रिलायंस कैपिटल ने अपनी एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में 42% हिस्सेदारी किस कंपनी को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया है। ऑप्शन है यहाँ पर आपके अमेजन, फ्लिपकार्ट, निप्पल लाइफ इंश्योरेंस, सेबी। तो सही आंसर जो होगा आपका यहाँ पर निप्पल लाइफ इंश्योरेंस। ध्यान रहे, अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल ने हाल ही में अपनी एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में 42% हिस्सेदारी पार्टनर कंपनी निप्पल लाइफ इंश्योरेंस को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया है। कंपनी को अपने शेयर बेचकर 6,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना की कौन सी ऑपरेशनल फाइटर पायलट बन गई हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा पहली। ध्यान रहे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली ऑपरेशनल फाइटर पायलट बन गई हैं। हाल ही में इन्होंने दिन में उड़ान भरने की ट्रेनिंग पूरी कर ली और वे अब किसी हवाई युद्ध में शामिल हो सकती हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 में 542 सीटों के लिए हुई मतगणना में किस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऑप्शन आपके सामने हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो भारतीय जनता पार्टी। ध्यान रहे, लोकसभा चुनाव 2019 में 542 सीटों में से मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय वायुसेना ने MKI लड़ाकू विमान किस मिसाइल के वायु से सतह पर मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल या आकाश मिसाइल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ध्यान रहे, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में SU-30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के वायु से सतह पर मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल मार करने में सक्षम 2.5 टन वजन की है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओयो किस देश के बाजार में प्रवेश करने के 18 महीने बाद ही देश का सबसे बड़ा होटल समूह बन गया। ऑप्शन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो है चीन। ध्यान रहे, ओयो रूम्स चीन में प्रवेश करने के 18 महीने बाद ही चीन का सबसे बड़ा होटल समूह बन गया। चीन के 320 शहरों में पहुँच रखने वाली ओयो के अपने ब्रांड के लगभग 10,000 होटल हैं, जिनमें करीब 4,50,000 कमरे हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी भारत और बहुत से देशों में अपना स्मार्टफोन बेचना बंद करेगी। ऑप्शन है आपके सामने, हुआई, सोनी, पैनासोनिक, ओप्पो। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा खे, अर्थात सोनी।
ध्यान रहे सोनी अब भारत के बाजार में अपने स्मार्टफोन बेचना बंद करेगी। गौरतलब है कि जापान की सोनी टेक्नोलॉजी भारत सहित कई देशों में अपना स्मार्टफोन बेचना बंद करेगी। कंपनी का कहना है कि अभी जापान, यूरोप, ताइवान और हांगकांग के अपने स्मार्टफोन कारोबार पर वह फोकस करना चाहती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कई देश में 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षा दिवस, विज्ञान दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस या फिर टीबी दिवस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आंसर गे, अर्थात राष्ट्रमंडल दिवस। ध्यान रहे 24 मई को भारत सहित कई देशों में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वनडे अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान को पीछे छोड़कर कौन पहले स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, मोहम्मद नबी, जसप्रीत बुमराह, साकिब अल हसन या भुवनेश्वर कुमार। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है गे, साकिब अल हसन, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ध्यान रहे आईसीसी वनडे अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर की रैंकिंग में बांग्लादेश के अनुभवी क्रिकेटर साकिब अल हसन पाकिस्तान के राशिद खान को पीछे छोड़कर अफगानिस्तान के राशिद खान को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गए हैं। इस रैंकिंग में मोहम्मद नबी अब तीसरे स्थान पर बरकरार हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन फ्लेमिंग की जगह किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया की मेलबॉर्न स्टार्स क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर माइकल क्लार्क, डेविड हसी, माइकल हसी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो है खे, डेविड हसी। ध्यान रहे स्टीफन फ्लेमिंग की जगह हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड हसी को 2 वर्ष के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। डेविड हसी बिग बैश लीग 2019-20 में अपना कोच का कार्यभार संभालेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता एंड्रिया लेडशम ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है आपके सामने, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या ब्रिटेन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो है ब्रिटेन। ध्यान रहे घे, ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। गौरतलब है कि हाल ही में ब्रिटेन देश में हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता एंड्रिया लेडशम ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं लगता कि मौजूदा सरकार की नीति के जरिए ब्रेक्जिट संभव हो सकता है, इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आज की करंट अफेयर्स में बस इतना ही, कल मिलते हैं 25 मई 2019 की करंट अफेयर्स के साथ में। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।